वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आपके राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड शानदार में 4 अपडेट्स लेकर आया हूं। जी हां, बिल्कुल एग्जाम सेंटर से। जी हां, जहां से आपकी कॉपी चेक हो रही है, कलेक्शन सेंटर्स अब वो बंद होने जा रहे हैं, यानी आर गोइंग टू क्लोज बाय 14 मई टू 16 मई, यानी कि 14 से 16 मई के बीच में ये सेंटर्स जहाँ पर कि एग्जामिनर कॉपी चेक करके जमा करवाते हैं वो बंद होने जा रहे हैं। यानी कि एक ग्रुप तो ये हो गया कि ये बंद होते ही अब कोई सी भी कॉपीज फिर चेक होनी बाकी नहीं रहेगी, यानी कि लास्ट फाइनल आ चुका है। लेकिन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है बोर्ड की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप खुद भी राज एजु बोर्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं, जहां पर कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो उनके मार्क्स अपलोड करते हैं, वो पोर्टल अभी खुला हुआ है, इज स्टिल ओपन। यानी कि कॉपीज चेक हुई है लेकिन उनके मार्क्स जो भी बाकी होंगे, विशेष रूप से 10th क्लास के, वो अभी पोर्टल खुला हुआ है, यानी कि अपलोडिंग चल रही है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। ये जिस दिन बंद हो जाएगा ये पोर्टल, अपने आप वहाँ पर एक तरीके से आपके सामने ऐसे आएगा चमकता हुआ, यानी कि अभी यहाँ पर पोर्टल पर मार्क्स चढ़ रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब अब आपका रिजल्ट बिल्कुल आने ही वाला है, क्योंकि ये बंद होते ही फिर मार्क्स नहीं चढ़ेंगे। जब तक मार्क्स चढ़ाते रहेंगे वहाँ तक रिजल्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी पूरे स्टूडेंट के मार्क्स तो चढ़े नहीं है। तो आपको मैं बहुत शानदार आइडिया बता रहा हूँ, बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लीजिए, फ्रंट पेज पर ही आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये चीज नजर आ जाएगी। यानी अभी अपलोडिंग ये बंद हो जाएगा तो फिर कोई मार्क्स अपलोड नहीं होंगे, यानी पूरे मार्क्स अपलोड हो चुके हैं। हिंदी 10th में एक कंफ्यूजन था, कई कमेंट्स में मैंने पढ़े बच्चों की कि 3 उपसर्ग है, 4 उपसर्ग है, सर हमने ये लिख दिया वो लिख दिया, गूगल पे ये है, पासबुक में ये है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए हिंदी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनसे बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बोर्ड की आंसर की में हमें 3 उपसर्ग वाला आंसर सही बताया है, तो जो बच्चे 3 उपसर्ग लिख कर आए हैं उनका आंसर सही है। रिजल्ट की बात करें तो 12th में ऑल स्ट्रीम यानी सभी जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स हैं उनका कार्य 100% कंप्लीट हो चुका है। 10th की बात करें तो पहले इनका रिजल्ट आएगा, इसी के बाद आपके 12th के बाद ही 10th का रिजल्ट आएगा, यानी कम से कम इन दोनों के रिजल्ट में 7 दिन का अंतर होने के चांसेज हैं। तो साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है, 1-2 दिन में इसका अनाउंसमेंट होने वाला है, इसके बाद आर्ट्स और फिर 10th का। फिर जैसे ही हमें कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।